आज हम पढ़ रहे हैं द मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन का क्या मतलब है, जैसे हमें ये लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक पता होना चाहिए कि इससे रिजल्ट क्या आएगा। देखो, अगर मैं बात करती हूँ एफ ज़ीरो की, तो मॉडुलस ऑफ ज़ीरो एंड दैट इज ज़ीरो। मैं बात करती हूँ एफ वन की, तो एक्स की जगह वन डाल दो तो मॉडुलस वन कितना आ जाएगा, वन। इसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ माइनस वन पे, तो मॉडुलस माइनस वन भी कितना हो जाएगा, वन। सिंपल सी बात है, तुम एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। मॉडुलस ऑफ टू कितना हो जाएगा, टू। मॉडुलस ऑफ माइनस टू भी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मॉडुलस का मतलब है कि मॉडुलस से वैल्यू कैसे निकलती है। तुम एक्स के अंदर वैल्यू नेगेटिव डालो यहाँ पे, या पॉजिटिव डालो एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो जब मॉडुलस से बाहर निकलेगी तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। यानी कि तुम कुछ भी कर लो यहाँ पर, एक्स की वैल्यू तुम नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, एफ एक्स हमें हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ का आइडिया लग जाएगा। देखो भाई, हम एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव भी डाल सकते हैं, नेगेटिव भी डाल सकते हैं, लेकिन एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा पूरा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में आने वाला है, क्योंकि एक्स यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, लेकिन एफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, और एफ एक्स पॉजिटिव कहाँ होगा, ऊपर, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा पूरा ग्राफ जो आएगा वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, पहली चीज। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जो भी इस मॉडुलस के अंदर वैल्यू पड़ी है, जो भी फिलहाल यहाँ पे क्या है x, तो इस x को क्या रख दो, जीरो के इक्वल, x इक्वल टू जीरो। सो जीरो क्या आ गया यहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट। अब मान लो यहाँ x की जगह कुछ और होता, x माइनस टू होता, तो हम x माइनस टू को जीरो के इक्वल रखते हैं और वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आ जाता है उस टाइम पे, क्रिटिकल पॉइंट टू। लेकिन यहाँ पे तो मॉडुलस के अंदर सिर्फ x है, हमने x को जीरो के इक्वल रखा है, एंड वी गेट जीरो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका फंक्शन लिखेंगे हम। तो क्या आता है, मॉड x क्या है यहाँ पे, एफ एक्स। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जीरो। तो यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स इज लेस देन जीरो, ये जो वैल्यू आएगी ये क्रिटिकल पॉइंट आएगा हमारा। अब एक्स जीरो से बड़ी वैल्यू, जीरो से छोटी वैल्यू, जीरो के बराबर भी तो आना चाहिए, इन दोनों में से कहीं भी हम इक्वल टू लगा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि ग्रेटर देन के साथ हम इक्वल टू लगाएं, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू तुम जीरो से बड़ी रखो, ठीक है, तो भाई पॉजिटिव ही आएगा। x की वैल्यू जीरो रखो तो जीरो मिलेगा, और x की वैल्यू जीरो से बड़ी रखो तो पॉजिटिव ही आता रहेगा। लेकिन अगर हम x की वैल्यू जीरो से छोटी रखें, यहाँ पे इसमें x की वैल्यू जीरो से छोटी रखो माइनस वन, तो क्या आ गया, माइनस वन। एक्स की वैल्यू माइनस टू रखो तो माइनस टू, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री रखो तो माइनस थ्री, लेकिन मॉड से रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव। तो ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव है, लेकिन इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब रखो तुम वैल्यू, जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू रखो एक्स की, माइनस टू बाहर माइनस, तो माइनस टाइम्स ऑफ माइनस टू इज प्लस टू, और मॉड एक्स का रिजल्ट भी यही आएगा। तो यानी कि ये हमने क्या करा, इसको फंक्शन को ब्रेक कर दिया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे उसका ग्राफ, ठीक है। तो देखो, ग्राफ के लिए क्या आएगा, इधर x एंड दिस इज एफ एक्स, ठीक है। तो देखो, फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन दिया है ये हमें, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, यही है ना। तो हम पहले ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम x की वैल्यू क्या डाल रहे हो, जीरो या जीरो से बड़ी, तो जब हमने x की वैल्यू जीरो डाली इसमें, ठीक है, x की वैल्यू जीरो डालो, तो जब x की वैल्यू जीरो डाली तो एफ एक्स भी क्या मिलेगा, जीरो। तो जीरो कॉमा जीरो पॉइंट, जीरो से बड़ी इसको प्लॉट कर रहे हैं, तो x को डालो वन, ठीक है। तो x वन डाला तो मॉडुलस ऑफ वन कितना हो जाएगा, वन, यानी कि वन पे वन आ रहा है, तो वन कॉमा वन यहाँ कहीं होगा पॉइंट। उसके बाद x को डालो टू,
तो मॉड एक्स भी कितना मिल जाएगा, 2। तो 2,2 का यहाँ पॉइंट होगा। इस तरह से ये ग्राफ हमारा पूरा आ जाएगा, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। ठीक है, ये जो ड्रॉ हुआ है ये क्या आया है हमारा, fx = x। हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की है fx = x। एक्स क्या है, 0 से बड़ा। अब बात करते हैं हम 0 से छोटे के लिए। तो 0 से छोटे के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, fx = -x, 0 से छोटे के लिए। अब 0 से छोटी कोई वैल्यू डालो यहाँ पे, -1 डालते हैं, तो f -1, तो माइनस टाइम्स ऑफ -1 कितना आ गया, 1। भाई मॉडुलस ऑफ -1 1 ही आता है, ठीक है। उसके बाद डाल दो यहाँ f -2, तो कितना आएगा, -(-2), यानी कि कितना। तो जब हमने x की वैल्यू -1 डाली तो रिजल्ट कितना मिला हमें, 1। ठीक है, तो 1 तो इसके सीध में आएगा यहाँ पे, ये -1, x कितना है -1 और y कितना, 1। ठीक है, अब जब हमने x की वैल्यू -2 डाली तो -2 यहाँ कहीं होगा और उस पर हमें रिजल्ट कितना मिल रहा है, 2। तो 2 इसके साथ में होगा यहाँ, ये। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होता चला जाएगा। तो ठीक है, ये आ गया। ये ध्यान रखना, कुछ लोग ना यहाँ यू शेप बना देते हैं, ये यू शेप नहीं होती, ये हमेशा वी शेप होगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये किसका ग्राफ आया हमारा, fx = -x। ठीक है, कब, जब x क्या है, 0 से छोटा। तो ये तो आ गया हमारा इसका ग्राफ। अब बात करते हैं हम इसके डोमेन की। अगर डोमेन की बात करें तो भाई देखो, बिना ग्राफ के देखते हैं पहले, तो हम x की वैल्यू यहाँ 0 भी रख रहे हैं, 0 से बड़ी भी रख रहे हैं, ठीक है, 0 से छोटी भी रख रहे हैं, तो डोमेन क्या हो गए, ऑल रियल नंबर। उसके बाद भी अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे ग्राफ को हर पॉइंट पे कट करेगा, तो डोमेन क्या हो गए इसके, आर। अब अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज तो यार देख के ही पता चल रहा है, तुम x की वैल्यू नेगेटिव डाल रहे हो या पॉजिटिव डाल रहे हो, जो तुम्हारा fx आ रहा है वो हर बार क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या 0 आ रहा है, तो इसका मतलब रेंज क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी। और अगर तुम चाहे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देख लो, ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पहली बार हॉरिजॉन्टल लाइन कब कट कर रही है, x = 0 पे, ठीक है, तो y = 0 पे, ठीक, तो y = 0 पे कट कर रही है और उसके बाद कट करते ही जा रही है, तो जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी। ये आ गई इसकी रेंज। ठीक है, डोमेन के लिए कौन सी लाइंस करते हैं, वर्टिकल, रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी टाइप ऑफ फंक्शन की, टाइप ऑफ फंक्शन। देखो भाई, अगर हम टाइप ऑफ फंक्शन की बात करें तो क्या ये 1-1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि y की एक वैल्यू के लिए x 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये है ना, तो ये 1-1 तो नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा, ऑन 2। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, रेंज ये है, एंड f इज अ फंक्शन फ्रॉम R टू R, तो कोडोमेन कितना है, कोडोमेन है यहाँ पे R, और रेंज क्या है ये, तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू R, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, तो फंक्शन हो जाएगा हमारा इनटू। ठीक है, तो अच्छा ये सॉरी, ये ऑन टू नहीं होगा, ये यहाँ होगा मैनी वन। ठीक है, क्योंकि ये एक y की एक वैल्यू के लिए x की हमें एक से ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, इसीलिए ये क्या होगा मैनी वन, और कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा इनटू, तो फंक्शन हो गया मैनी वन इनटू।